हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम पार्लर जैसी आइसक्रीम, वो भी घर पर ही बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। 3 से 4 इंग्रेडिएंट से इतनी बेहतरीन आइसक्रीम बनाएंगे कि आप आइसक्रीम पार्लर जाना भूल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिल सके सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केले लेंगे, इन्हें अच्छे तरीके से धो लेना है और इनका छिलका उतार कर इन्हें अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कुछ इस तरीके से कट करेंगे और एक प्लास्टिक का कंटेनर लेकर उसमें हम इसे रख देंगे। डीप फ्रीजर में 2 घंटे के लिए हमें इसे रख देना है। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अमूल फ्रेश क्रीम और वनीला एसेंस का। तो 2 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे बाहर निकाल लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। चलिए इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं और इसका एक अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो जैसे ही एक फाइन पेस्ट बन जाएगा, हम इसमें बारी बारी से एक एक चीज़ें मिलाते रहेंगे और अच्छे से बारी बारी से ग्राइंड करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसमें ऐड कर दिया है 1 कप शुगर को और इसे फिर से हम अच्छे से पीस लेंगे, इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो शुगर हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें। यहाँ पर हमने 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया है और इसे भी हम फिर से मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बारी है इसमें अमूल फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करने की। इसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम को भी डालकर अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में चला लेंगे और इसका फिर से एक अच्छे से फाइन बैटर बना लेंगे। तो जैसे ही ये फाइन बैटर बन जाएगा तो हम इसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से टैप करके इसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल या फिर प्लास्टिक रैपर से आप इसे पैक करके फिर से 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे। अगर आप टूटी फूटी की रेसिपी देखना चाहती हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, ये ऑप्शनल है। तो 2 घंटे हो गए हैं और हमने इसे डीप फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। तो हमारी आइसक्रीम जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो चलिए इसे एक स्कूप बनाएंगे, जैसे हमें आइसक्रीम पार्लर में स्कूप बनाकर देते हैं वैसे ही हमें इसे डेकोरेट करना है और डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, आप आपके पसंद के ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बादाम डाल दिया है और इसे गार्निश करने के लिए ऊपर से चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। तो बनकर रेडी है हमारी होममेड आइसक्रीम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।